ये शिव जी है। अब हम शिव की पूजा कर रहे हैं, मंदिर गए, राम की हनुमान की। देखिए आप हनुमान को देखेंगे तो हमारे मन में क्या आता है अचानक, क्या बल बुद्धि विद्या देहू मोही, हाय हाय हरु कलेश विकार कहाँ पहुंच गया। हनुमान जी के देखते ही हमारे को कुछ और फीलिंग आ गई। कृष्ण को देखते या क्या रसीली, आंखें भर जाए, रोने का जी कर जाए। ऐसी स्थिति के अंदर हम राम को देखते हैं, ऐसी मर्यादा का वेग आता है, पूछो ही नहीं। क्या कुछ उस मूर्ति, उस पिक्चर, उस फोटोग्राफ से कुछ ऐसा अंदर के किसी हिस्से में ऐसी मूवमेंट हो जाती है कि हम वहीं से जुड़ जाते हैं। ये यार यहाँ का भगवान है, इसको देख के हमें ये महसूस होता है। और महसूस करने की चीजें अलग अलग जगह रहती है बॉडी में। अच्छा, शिव का लफड़ा क्या है? शिव का सबसे खतरनाक लफड़ा है शिव की पूजा और पाठ। ये शिव का शरीर है। शरीर किसके लिए? उस मांगेराम के शरीर के लिए जो मंदिर गया। मंदिर क्यों? क्योंकि मंदिर साइंटिफिकली ऐसा डेवलप्ड है जहां उसकी ऊर्जा को स्पेस एलिमेंट ऊंचा मिलता है। मैं यहां बोल रहा हूं, मेरे ठीक ऊपर यहां पर ये व्यवधान है, मैं यहां बोलूंगा तो मेरे ठीक ऊपर स्पेस एलिमेंट ज्यादा है, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, ये मेरे सिर पे लोड डालेगा, बट इट्स ओके, ये शब्द बताने के लिए। इसलिए मंदिर में ये और भी ऊंचा होता है। अगली बार इसके ऊपर ऐसी जगह का उपाय क्या होता है, यहाँ एक आकाश क्रिएट कर दो, बादल और नीले रंग का एक आकाश क्रिएट करो। इसलिए जब भी घर में कोई दम घुट रहा है, बच्चों की परेशानी हो, रात को डर जाते हैं, उनके बेडरूम में चांद तारे सितारे लगा दो और ब्लूइश शेड दे दो आकाश की, थोड़ी सी दे दो। बीम वगैरह होते हैं लोगों के, बीम के नीचे बैठे हैं, परेशान है, कहाँ जा रहा हूं मैं, कौन सी जगह चला गया। तो ये जो शरीर हम लेकर चला गया मांगेराम और मूर्ति के पास गया, वैसी भावना अब हम शिव के पास चले गए। अब गुरु ग्रंथ साहिब की बात बहुत जरूरी होगी इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ शिव जी के पास चले गए। शिव जी का कोई आकार ही नहीं है, शिवलिंग का आकार नहीं है, शिव का है, शंकर का है, महादेव का, ये अलग अलग है, ये अलग अलग एक्सप्रेशन है कॉन्शियसनेस के। अब शिवलिंग का कोई आकार ही नहीं है, यानी कि जब हम ये शरीर लेकर चले गए तो हमारे अंदर की ये वाली बिना शरीर का शरीर कॉस्मिक बॉडी जिसमें प्रेम, घृणा, नफरत, इच्छा, काम, क्रोध सब रहता है, उसने पत्थर की उस मूर्ति के अंदर जो देवता है उसके पास भी एक कॉन्शियस बॉडी है, उस शरीर के साथ जोड़ बिठाया है। अब हम यहां से हम डरे हुए चले गए। अब जो देवता सामने है उस देवता के पास सब है, उसके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्लस माइनस, बीमारी, हारी, हीलिंग सब है। आप गए डरे हुए, बीमार हो जाएंगे, नहीं होंगे, आपका जहां से आप बीमारी और डर सोच रहे हैं वहीं से उस देवता का भी शरीर जो इस मूर्ति के अंदर है उस सूक्ष्म शरीर से मिल रहे हैं आप। आप मूर्ति को काटोगे ना तो उस मूर्ति के अंदर नहीं मिलेगा आशीर्वाद देने का कोई हिस्सा, उस मूर्ति के अंदर विद्यमान है एक अशरीरी शरीर, एक ऐसा शरीर जो कॉस्मोस से जुड़ा है, ब्रह्मांड से जुड़ा है, एथरिक बॉडी बोलते हैं उसे। वो शरीर से हमारा शरीर जुड़ा, हमारे में डर है, हे भगवान पेपर पास करा दियो, हम डरे हुए हैं, वो डर से ही जुड़ेगा, फेल होगा बंदा, फेल हो जाएगा। आप कहोगे यार भगवान से मांगा हमने, हमने चलिया रखा, उसने सुना, ये वाकई होता है। आप मन से प्रश्न पूछें कि आपको क्या मंदिर आना जाना आता भी है, क्या आपको पूजा का पद्धति पता भी है, कैसे उस देवता को ऑन करना है, आप जहां से ऑन हो गया वो भी वहीं से ऑन हो गया। आप लोग कहते हैं भगवान तो सबको माफ करता है, वो बोलता ही कुछ नहीं, इसी को माफी मान लो, कौन सा माफ करता है? आप बीमार पड़ते हो, क्या ध्यान रखा उसने? भगवान में कोई दया नहीं है क्या? धरती पे इतना पाप है, इतना आतंकवाद है, भगवान को कान में घंटी नहीं बजती, दिखता नहीं है कितने निरीह लोग मर रहे हैं, कितने पाप हो रहे हैं, भगवान बहरा है? भगवान कैसे सुनता है ये पता ही नहीं, वो बहरा नहीं, वो अर्जुन की ही सुनेगा, क्योंकि तुम अर्जुन योग्य तो हो जाओ, हम अपने पाप और पुण्य में लगे, जब हम यहां से जिस औरा से जुड़े वैसे उससे जुड़ गए। शिव का अर्थ क्या है? निराकार। ये अकेला शिवलिंग एक ऐसा प्रतीक है जो ये कहता है कि भैया राम कृष्ण इत्यादि के आकार से तुम एक खास एनर्जी से जुड़ोगे, इस आकार से तुम ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो। कॉस्मोस का आकार क्या है? अनंत है ब्रह्मांड, अनंत, आप अनंत ब्रह्मांड से जुड़ गए जब आप शिव से जुड़ गए, शिवलिंग से। इसके अंदर जो बॉडी है, जो शरीर, ये वाला शरीर जो इसके अंदर का है, उसके अंदर सब कुछ रहता है, सब कुछ, उसी में राम है, कृष्ण है, उसी में रावण है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब कुछ है। यही राम के भी आराध्य हैं और यही रावण के भी। कमाल है शिव, शिव की कहानी और ही अलग चली। इसी में पाप है, इसी में तमस भी है, तमस का देवता यही है, मृत्यु का भी देवता यही है, जीवन का देवता भी यही है, यानी कि आध्यात्म, एवरीथिंग, ऑल इंक्लूसिव।
आपके जीवन में सब कुछ है। जब आप बीमार पड़ते हैं, पाप पुण्य की बात करते हैं, पूजा पाठ करनी है, पाप से मुक्त होना है, भगवान हमारे पापों को क्षमा कर, आप बीमार पड़े, आप जिंदा बैठे, आपके शरीर के अंदर 7 बिलियन कीड़े हैं अरबों के हिसाब से, 7 बिलियन कीड़े हैं आपके शरीर के अंदर, माइक्रोब्स, 5 से 6 बिलियन तो आपके गट में ही है। अगर ये नहीं होंगे ना तो आप मर जाओगे, पेट खाना नहीं पचा पाएगा, डॉक्टर आपको दही खिलाएगा या उल्ट देगा, इंजेक्शन ठोकेगा कि भैया चाहिए हमें कीड़े। हमारे अंदर 7 बिलियन कीड़े पल रहे हैं, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं छोटे। अब हम बीमार पड़ गए, अब बीमार पड़ गए तो हमारे अंदर या तो ये 6 रह गए या हमारे अंदर 9 बन गए, 10 हो गए, बढ़ गए। अब आप बीमार हो, आपने एंटीबायोटिक ले लिया, एंटीबायोटिक लेके आपने क्या किया, कम से कम 2 अरब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आत्माएं हैं वो मार दी हैं, 2 अरब कम से कम मारी है, 7 वापस करने गए। अब सोचो एक अकेला हूं मैं ब्रजेश गौतम, एक ही तो है और उसके अंदर उसने 2 अरब मार दिए जान से, अब इस पाप से मुक्ति कौन दिलाएगा हे भगवान। 2 अरब बार मुझे जाकर बोलना पड़ेगा और मैं तो हर छठे महीने मार देता हूं, क्या करें, इतना तो बीमार पड़ना ही चाहिए आदमी, इतना तो अव्यवस्थित हो ही जाते हैं, बताओ कैसी समस्या है, कौन निकालेगा इस पाप से, बताओ। बीमार आदमी के अंदर 2 अरब की खेती और हो गई है, 3 अरब की खेती और हो गई है, वो पाल पोस रहा है, पुण्य कमा रहा है, उसे मर जाना चाहिए, वो कीड़े उसे मार ही देंगे, खा जाएंगे। कितने जन्म, देखो एक व्यक्ति मर गया तो कितने अरबों आत्माओं को जीवन मिलेगा, तो कायदे से बीमार आदमी को मर जाना चाहिए ना, फिर वो क्यों संघर्ष करता है, दवाई लेता है और उनको मार देता है, कितना भयानक पाप है सोच के देखो, ये बहुत डेंजरस बात है। इसलिए आज के बाद यदि पाप और पुण्य का स्यापा लगे, मंदिर जाके पाप के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं, पाप करो ही मत, मर जाओ, बीमार पड़ गए मर जाओ, क्योंकि बहुत से कीड़ों को जिंदगी दी है अपने मरते हुए, सीधा स्वर्ग मिलेगा, पूरे पूरे हैं वहां पे, अब सराएं ढेर लगी हुई है, सोचो, सोचिए कितना डीप हिप्नोसिस है ये, ये हिप्नोसिस है। भगवान ने, कृष्ण ने कहीं नहीं कहा मारो ना मारो खत्म, सबसे बढ़िया नानक है, बेस्टेस्ट, उन्होंने स्यापा ही खत्म कर दिया। अबे गुरु ढूंढो सालो, जिसे गुरु ढूंढो मेरे बच्चों, जिन्हें अकल है, तुम बेटा शिष्य बनो। अब बेटा छोड़ दो मदिरा पीनी है नहीं पीनी है, मांस खाना है नहीं खाना है, ये चक्रों से हट जाओ मेरे बच्चे, बेटा ज्ञान लो, और नहीं ज्ञान ले सकते तो ज्ञानी को फॉलो करो, कमाल कर दिया। उन्होंने नहीं कहा घर छोड़ के चले जाओ, साधु बन जाओ, जंगलों में घूमो, छोड़ दो बीवी बच्चा, ना बीवी बच्चे भी रखो और गृहस्थ में ही संन्यास ले लो, क्या बात है, सब मिक्स कर दिया, स्यापा खत्म कर दिया, ये वाला भगवान वो वाला भगवान, कमाल की बात करी, एक गुरु ग्रंथ दे दिया, कोई झंझट नहीं, कोई फालतू के नियम नहीं, कोई रोड़ा रापा नहीं, फिर करना क्या है, हे नानक सेवा करो बेटा, अच्छा बुरा गंदा सही खत्म कर दिया, बाबा ये पापी ये तो कत्ल करके आया है, बेटा उससे तुम्हें क्या लेना देना, इसे खाना खिलाओ, खत्म। हाँ जी, किसी की लाइफ में पाप पुण्य होता होगा तो हो, फिर वो ये कीड़े तो इतने मैंने अभी मार दिए, अरबों खरबों तो आप मार दोगे एक जन्म में, आप यूं करते हो ना, बिल्कुल कितने कीड़े मर जाते होंगे, रखा करो। ये सोचने के चक्कर में क्यों फंसे हो, नहीं भी सोचते चलो, नहीं सोचे भी मत सोचो, चलने दो, इन चक्रों में ज्ञान लोगे तो लगेगा क्या मूर्ख बन रहे हैं हम, हमारी जिंदगी नरक हो रही है, ये मैंने कान साफ किया, हजारों मार दिए, ये गए मर गए लाखों, मच्छर तो मारो ना मारो, मच्छरों तो दिख रहे हैं तो बोल रहे हो, जो वैसे ही मार दिए ये मर गए, अभी मरे, अभी रेजर मारा खत्म, लाखों गए हैं, फेस पे रहते हैं कीड़े, कायदे से बंदे को यूं रहना चाहिए, बस रुको झुकूंगा भी नहीं, ऐसे ही मर जाऊंगा, इसमें भी शायद कुछ होता होगा और पता नहीं है, ये जो आंखें बंद खोली इसमें माइक्रोब्स मर रहे हैं, 1-2 किलो तो मांस खाते हैं हर साल, इतना तो सांस के रास्ते जाते हैं कीड़े, इस पाप पुण्य के परिभाषा को ये जेन्युइनली समझोगे तो पागल हो जाओगे, इसीलिए तो इसके स्यापे में डाला ही नहीं, ना नानक ने डाला ना कृष्ण ने डाला, उन्होंने धर्म धर्म का स्यापा ही खत्म, ये उनका मत है, जैन धर्म, मैं आपको फैक्चुअली बताऊं, जैन धर्म
शाब्दिक बात करो तो सनातन धर्म के सर्वोत्तम धर्मों में से एक है, सर्वोत्तम धर्मों में से। उसने जो हमें तीर्थंकर दिए हैं और जो ज्ञानी दिए हैं, वो ज्ञानी मतलब वो हम शब्द कह रहे हैं जैन धर्म, जैन ध्यान के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने के धर्म का नाम जैन धर्म है, ज्ञान। और उनके बहुत रिच साहित्य है, यूं मान के चलो सनातन की एक सबसे बड़ी शाखा वो ही है, वहां तक तो हम पहुंच नहीं पाते। मकसद कहने का क्या है कि आपने जैन धर्म में इतने ऊंचे लेवल पे पहुंचा रखा है उस तीर्थंकर को, उस देवता को, उस अवतार को, कि नीचे के सारे काम दूसरे लोग करें। लेकिन जैन बहुत कम है, उनके पास रक्षक नहीं है, इसलिए वो धर्म के इतने से लोग रह गए। जैन धर्म की रक्षा हुई, इतने से रह गए। वो सफल है असफल है ये लड़ाई नहीं है, उनको भी बहुत होना चाहिए था, करोड़ों होने चाहिए थे, सैकड़ों करोड़ होने चाहिए थे, क्यों नहीं है? बुद्धिज्म में लाखों करोड़ों लोग मार दिए गए, क्यों मार दिए गए? आज बुद्धिज्म में कहते हैं अगर भगवान महावीर की तरह ही वो चलते रक्षा ना करते, चाइना का पूरा बुद्धिज्म है। और वो कहते हैं अभी तलवार उठा के मार देंगे साले, गन से उड़ा देंगे तेरे को। बचे हुए खुद को बचाएगा कैसे चाइनीज? तिब्बतन खत्म हो गए, होना ना होना बराबर है उन बेचारों का, पीढ़ियां खराब हो गई, बच्चे खराब हो गए, ना वो ऐश करते हैं, ना उनके पास पॉपकॉर्न मिलते हैं खाने। आप करो ना ज्ञान, कृष्ण ने ज्ञान की सीमाएं छुई, मौज भी पूरी करी। उन्होंने कहा नीचे से ऊपर की पूरी लिफ्ट लगा रखी है, मैं एंजॉय भी करूंगा, ऊपर भी आऊंगा। ये करो, जीवन जियोगे कैसे? कोई लिंक ही नहीं है इसमें। उन्होंने भक्तों को पूजा, कृष्ण ने अपने भक्तों को पूजा है, सुदामा के पैर धोए हैं, तो उसमें अहंकार है कहीं? कहां है? अगर हमारा कृष्ण है तो इसीलिए तो, क्योंकि भक्त है, तो भक्तों नीचे की भीड़ तो चाहिए, मंदिर तो जाना बहुत जरूरी है, हमारी रक्षा कौन करेगा? साफ हो जाएंगे हम। इसी रुद्र का हमने बता दी थी, वो अच्छी नहीं किया था तो स्वीकार करने के लिए उनको भी स्वीकार करने के लिए अवतार नहीं लिया। शिव की लीलाएं हैं ये, लीलाओं में मत फंसो, लीलापति से मिलो। हाँ जी बोलिए। ये तीन तीन तो शिव के साथ चलेगा ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीन का ये लफड़ा है। हाँ, निराकार एवरीथिंग इन ग्रॉस, सब कुछ अनगढ़, धर्म अधर्म सहित प्रकृति का मतलब ही तीन गुण है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, यही है प्रकृति। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? गृहस्थ से संन्यास का मतलब क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो आइडिया की बात हम ले रहे हैं कि इस तरह लेते थे कि भाई गृहस्थ इंसान जो है वो दूसरे की गुलामी कर रहा है, परिवार पाल रहा है, औरों के बारे में सोच रहा है, पैसे जमा कर रहा है, इसको पालूंगा, उसे पोसूंगा। सन्यासी व्यक्ति खुद का मालिक है, कि मैं मेरी ही सुन रहा हूं, मुझे किसी से लेना देना नहीं। तो सन्यास का मतलब आप खुद के मालिक और आप मुक्त हो चुके हो झंझटों से। गृहस्थ का मतलब झंझटों में फंसे हुए। गृहस्थ से सन्यासी अगर ये जोड़ के चलें तो भैया मैं अपनी भी सुनूंगा, तुम्हारी भी सुनूंगा, यानी कि मैं धर्म जो वो दान है, दया है, सेवा है, ये नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुम्हारा भी जो ध्यान रख सकता हूँ रखूंगा। ये गृहस्थ और सन्यास एक साथ चलाने वाली बात है। ऐसी स्थिति में आपकी भिखारी वाली स्थिति नहीं रहेगी ईश्वर से। आप जीवन में सन्यासी हर चीज एक्सेप्ट करता है कि ठीक है यार, परमात्मा अब यही इच्छा, हमने कर्म कर लिया, देखा जाएगा। ऐसे लोग हैं जो सारी जिंदगी यही रोते रहते हैं, क्या होगा हमारे भाई का, हमारे मकान का क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। अरे खत्म करो उसको, परमात्मा पे छोड़ दो कि भगवान अब तूने जैसे करना है करना है। लोग रोते रहते हैं मेरे पेपरों का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरे प्रेम का क्या। अरे छोड़ दिया, भगवान पे छोड़ दिया, दफा कर, अब जो होगा। भगवान मतलब किस पे? समय, टाइम पे छोड़ दो। डॉक्टर आखिर में क्या बोलता है? टाइम दो, टाइम धीरे धीरे हील कर देगा। मनुष्य क्या बोलता है? दिल में कोई चोट लगी है, बोले समय सारे घाव भर देता है। वो परमात्मा है जो कॉस्मिक बॉडी है, वो सब कुछ ठीक कर लेती है। खाली ये कॉस्मिक बॉडी नफरत प्रेम शांति सुख महसूस करने की हर क्षमता यहां रहती है। और अगर ये आपकी खाली है तो आपका शरीर ठीक है। लोग शरीर ठीक करने के लिए कहते हैं ये खा लो, प्रोटीन खा लो, ऐसी वाली डाइट लो, शरीर को ऐसा मत होने दो, मोटा मत होने दो, पतला मत होने दो। शरीर वैसा बिहेव कर रहा है जैसा ये है। आपकी ये खाली शरीर के अंदर कितना क्लेश, कितनी कीचड़ है। किसी का लिवर गड़बड़ है, उसको ये पता होना चाहिए लिवर गड़बड़ नहीं है, लिवर के एरिया में क्रोध और क्लेश बहुत भरा हुआ है। इतना क्लेश क्रोध भरा हुआ है कि यहाँ का सूक्ष्म शरीर का ये हिस्सा आपके लिवर पे लोड मार रहा है। तो उसको क्या करना है? लिवर के लिए दवाई खानी है, लिफ्ट 52 खा लो। नो, वो शरीर को ठीक करेगी,
आपको अंदर की बॉडी ठीक करनी है। लिवर की प्रॉब्लम हो गई, बंदा कहता है डर गए, गुस्सा गया भाड़ में, लिवर अपने आप हील होना शुरू हो जाता है, उल्टा डर ऑन हो गया, पता लगा उसको कब्ज की शिकायत शुरू, उसकी हड्डियां वीक होनी शुरू। लोग बुराइयां करने बैठ जाते हैं दूसरों की, हाय हमारे ऊपर सवार हो गए वो, तो हमें डराई बैठे, हमें परेशानी डाल दी, हम उनको कुछ ना कह सके, और कुंठित हो के दूसरे को गाली बकना शुरू करते हैं, अपने शरीर का नाश करते हैं, क्योंकि वो गालियां आपके शरीर में आ गई है, आपके शरीर में क्लेश आ गया है, आपके शरीर में नफरत आ गई है, ये वाले शरीर में। अंदर कैसा है वैसा ही बाहर आएगा, बाहर जो है उसमें ही वो अंदर का शरीर है। ये एक आकार है, पुरुष का आकार, स्त्री का आकार ले लिया हमने, ये निराकार है, यानी एवरीथिंग, पूरा ब्रह्मांड, जितने मर्जी मल्टीवर्स ले लीजिए, यानी हर जगह शिव हर जगह है। शव में ईश्वर, ये शिव है, यानी मृत व्यक्ति में इंटेलिजेंस, आपकी वो इंटेलिजेंस जो है वो ही निर्धारित करेगी कि पूजा पाठ आवश्यक है या नहीं। आपको लगता है कि नहीं मुझे मंदिर जाए बिना चैन नहीं पड़ेगा, वो संस्कार है। संस्कार का मतलब हिंदू संस्कार डाल दो, मुस्लिम संस्कार डाल दो, पारसी संस्कार डाल दो, जो डाल दिए, जैनी डाल दो, वो बन गया। पैदा हुए बच्चे का कोई लेना देना नहीं, इनोसेंट होता है, खाली डब्बा, कहते हैं इसमें ईश्वर है। ऐसा ईश्वर संत में होता है जिसने सब भर के खाली करना सीख लिया, बच्चा बूढ़ा एक समान टाइप हो गई बात। और बाकी लोग क्या है, बाकी सब जानकार है, और कहते हैं क्या हम ज्ञानी है। लोग शास्त्रों के लिए क्लेश करते हैं, कृष्ण ने गालियां भी 100 बर्दाश्त कर ली, उसको बुरा भला बोला वो भी बर्दाश्त कर लिया, सारे के सारे गलत काम वो भी, अधर्म को भी स्वीकारना ये शाश्वत धर्म है, ये आध्यात्म है। क्या आप अधर्म को भी स्वीकार रहे हो? कोई नहीं, गलत भी करता है इंसान, कोई बात नहीं, गलत भी होगा हमारे साथ, कौन सा गलत नहीं हुआ कृष्ण के साथ, कौन सा गलत नहीं राम के साथ, बुद्ध के साथ, सबके साथ बेईमानियां हुई, सबके मारने के प्रयास किए गए, गलत और सही कुछ नहीं होता, पाप और पुण्य कुछ नहीं होता, ये संस्कारों ने बना रखा है। और इस चक्कर में हमारी जितनी इस चीज में इन्वॉल्वमेंट होगी उतना ही ज्यादा हम नीचे के तल पे प्रार्थना करते रहेंगे, पत्थर के शिव से तो मिल लेंगे, निराकार शिव से नहीं मिल पाएंगे, ये एक ओंकार है शिव, ये वहां नहीं पहुंच पाएंगे हम किसी हालत। ये हमारी मानसिकता है, ये हमारे संस्कार है, हमारा डीप हिप्नोसिस है, प्रोग्रामिंग है। जैसे कि ये कहा जाता है, अच्छा बालिग हो गए 18 के हो जाएंगे, जैसे कि मान लो 15 जनवरी को किसी बच्चे ने 18 का होना है, तो वो 14 जनवरी को सोया 17 साल का, 18 साल को अगले दिन सुबह उठा वो 15 तारीख को, और उठ के वो बालिग हो गया, एक रात में वो बालिग हो गया। फर्क क्या पड़ा है, सिर्फ एक शब्द है कि 17 से 18 हो गए, यहां से कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। शादी हो गई, एक रात धूमधाम, एक लड़का सादा, एक लड़की शादी, एक आदमी सास ससुर बन गए, सुबह उठे और वो कहते हैं हम रिस्पॉन्सिबल है, एक रात में धूमधाम के अंदर ये कल आ गई सारी, ये बेवकूफी की बात है, ये उसी प्रकार की बेवकूफी है। भैया हरिद्वार हो लो और तुम्हारे को पाप धुल जाएंगे, अब हरिद्वार जाकर के गंगा स्नान और वापिस आकर के दुकान पे फिर वही रोना रापा, वही उसके पैसे खा लूं, उसने ये कलेश कर दिया, इसकी ये आग लग जाए, काहे का पाप धुल। आप फिर उसी चक्र में घूमते हैं, क्यों, बड़ा आसान तरीका है, जाओ ना हरिद्वार धो के आओ ना, पाप खत्म हो गए। पाप है कहां, पाप तो आप सारा दिन कर रहे हैं, अगर यही सोच के चलो जीव हत्या पाप है, ये कहा जाता है शब्द, जीवों को कष्ट होता है, ये जो इतने माइक्रोब्स मर गए इसका क्या करेंगे, ये सब एक हिप्नोसिस है। आप किस हिप्नोसिस को मानते हो वही आपका धर्म है, और वही आपके लिए पवित्र है, और उसी के लिए आप मरने कटने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि हिप्नोसिस का बड़ा मजा है। जो व्यक्ति ये कहता है अरे ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन में पूरी करूंगा और उसके लिए अपनी टीम बना के रखूंगा, वो आध्यात्म है। कोई गलत कोई सही नहीं है, सब सही है अपनी अपनी जगह, किसी को गलत सही बोलने का क्या मकसद है। आप जो पाठ कर रहे हो वो आप शब्द झंकृत कर रहे हो उस विशेष एनर्जी वाले देवता से जुड़ने के लिए जिसके लिए वो बोले गए हैं, और जब पूजा कर रहे हो तो आपके अंदर का कॉस्मिक शरीर उस देवता के कॉस्मिक शरीर से जुड़ रहा है। इसलिए आपको पूजा करनी है, बड़े ध्यान से करनी है। आप कहां से पूज रहे हो, भिखारी बन के पूज रहे हो के ऊपर चढ़े हुए हो, किस चक्र पर आप हो वहां से आपको देवता को पूजना है। मैच्योर होने का अर्थ उम्र से नहीं होता, मैच्योर होने का अर्थ ज्ञान से होता है।
आपको दूसरे व्यक्ति के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपके अंदर का जो व्यक्ति है आपका उससे लेना देना है, क्योंकि अंदर का व्यक्ति उसके अंदर के व्यक्ति से जुड़ता है। आप जब तक अपने अंदर के स्थान को नहीं जान सकते, आप देवता के अंदर के स्थान से जुड़ नहीं सकते। देवता एक भोला भाली है, शिव भोला भंडारी है, वो वहीं से जुड़ जाएगा जहां से आप हो। एक बहुत वर्सेटाइल संत होता है, वो ज्ञान देता है, छोटा बच्चा आता है उसके साथ ओले लेले करता है, फालतू की बकवास भी करता है, पराक्रम भी करता है, जिस तल पे सामने वाला है उसी तल पे वो स्वतः आकर के उसके साथ बात करता है। एक बूढ़े परिपक्व बुद्धिमान व्यक्ति में बच्चा कहां से आया? जब सामने एक बच्चा आया तब आया। ऐसे ही परमात्मा भी अपने सामने आए व्यक्ति से जुड़ता है, और वो सेवा कह लो प्रेम कह लो करेगा सिर्फ अर्जुन की, जो पूर्ण रूप से उसके लिए समर्पित होने को राजी हो गया। अर्जुन परमात्मा उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। जो सुदामा हो गया कृष्ण उसके ही पैर धोएगा, नहीं तो सारी दुनिया कृष्ण के पैर धोती है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चे से किस तल पे जाके मिल रहे हैं? आपके अंदर का परमात्मा अपने बच्चे के परमात्मा से कैसे मिल रहा है? आप कलेश से मिलते हैं, जब देखो शिकायत, जब देखो लड़ाई, जब देखो कोसना, बच्चा भी वही करेगा। फिर आप कहते हैं जवाब देता है, सुनता नहीं है, बहस कर, आप भी तो वही कर रहे हो। आप उसे क्रश कर रहे हो, प्रेम का है, शांति का है, आप ही ऑन कर रहे हो। ये डीप हिप्नोसिस है। हम 10 मनुष्य जो करते हैं, 11वां मनुष्य अपने आप ही करता है। मिरर न्यूरॉन इफेक्ट, ये स्वतः है, ये मास कॉन्शियसनेस है। इस पर क्लासेस भी पढ़ी है इसी नाम से। आपकी अपनी कॉन्शियसनेस को आपने देखना है, और पूजा पाठ करना है या नहीं करना है ये आपने खुद समझना है। आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं किस तल पे पहुंचूं और पूजा पाठ करूं। जब तक समझ नहीं आ रहा, जाओ मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, खूब खेलो, लेकिन जानो कितने जन्मों से या कितनी पीढ़ियों से या कितने सालों से आपकी लाइफ वैसी चल रही है। तो आप क्या बदले? आप बार बार वहीं से जा करके मिलते हो, वहीं से बात करते हो, और देवता वहीं से ऑन होता है, और वहीं से फल मिलता है, और फल फिर एक जैसा मिलता है। सारे टाइम तो हम रोते रहते हैं, अच्छे दिन अक्सर आने के बाद हमारा मुन्ना हमें अहंकार देता है, कहता वापिस नीचे आ जा। जो खुश है ना प्रेम में, मुन्ना कहता है नीचे आ जा, फिर वो नीचे आ जाता है, व्यक्ति अहंकार होता है, फिर वो पिटता है, फिर पिट के वो दोबारा भिखारी बनता है। आपको सम्राट बनना है, भगवान ने सब दिया है आपको, परमात्मा आपके अंदर विराजमान है। आप दूसरे से भीख मांग रहे हो तो दूसरे को आपने परमात्मा बना दिया। आपको भीख मांगनी ही नहीं है, आपको करना क्या? हक से लेना है। हक से लेने में ही डरते हैं हम, हमारी यही जान निकलती कैसे बोल दें। फिर हमारे को क्या पढ़ाया गया, क्या बुद्धि की गई है, चलो भगवान जी से प्रार्थना कर लो तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाए। इसमें भगवान ने क्या करना? भगवान पेपर देने आएगा? 1,00,000 बच्चों ने पेपर दिया, 1,00,000 ने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट किस्म के भगवानों से प्रार्थना करी, पास तो सारे हुए नहीं, यानी बाकी भगवान फेल है। ये हमारा हिप्नोसिस है, ये हमारा ड्रामा है खोपड़ी का। जो कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान, सिंपल सी बात यह है। गीता का ज्ञान, तुम्हारी मेहनत कैसी है, तुम मेहनत चोर हो, फल नहीं मिलेगा, सो सिंपल। या फिर तुम शार्प हो कि तुमने 1 घंटे में जो पढ़ाई की वो 10 घंटे के बराबर कर डाली, या फिर लास्ट किसी की कृपा है, कोई गुरु का आशीर्वाद है, कोई आपके लिए आपका पेपर दे रहा है, कोई आपके लिए आपका रथ चला रहा है, वो पेपर पास हो जाएगा। तो आपको तरीका ये सोचना है कैसे करें। एक व्यक्ति को बैठे बिठाए दादाजी से जायदाद मिल जाती है, ऐसे ही किसी लोगों को जायदाद के तौर पर संस्कार मिल जाते हैं और वो उसी को पीटते रहते हैं। अपने जीवन में हमें बढ़ना है। मैं कल ही एक माता पिता और बच्चा आया, बड़ा प्यारा बेबी, तो मैं बच्चे की तरफ से बोल रहा था, ड्रामा करना पड़ता है, मैं हिप्नोसिस होता है ये भी है। तो मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटा शॉर्ट बात है कि बेटा तुम्हें ना बेटा जो मन करता है करो। ऐसा चौड़ा हो गया यार, कमाल है यार, इससे अच्छी अच्छी बातें कर रही है ये बंदा यार, अच्छा लग रहा है मुझे। मैं कहा बेटा जो मन करता करो, खूब हल्ला मचाओ, खूब शैतानी करो। तो वो अवाक सा रह गया, चुप ही रह गया। मैंने कहा क्योंकि देखो बड़ी सादी बात है, तुम्हारे पास एक मम्मी है एक पापा है, और ये दोनों ना तुम्हारे गुलाम है। उसने कहा नाइस, आई लाइक इट, काफी पसंद आई बात। मैंने कहा देखो तुम कुछ भी करोगे, ये तुम्हें प्यार करना तो छोड़ेंगे, तुम कुछ भी करोगे इन्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें गालियां बकेंगे, हो सकता है तुम्हें पीट दें, फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। तुम बेटा ऐसी की तैसी फेर दो इनकी, पैसा खराब, टाइम खराब,
खूब तुम्हें लड़ेंगे, हो सकता थप्पड़ भी मार दें, पर तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। तो बेटा आज के बाद ढीठ बन जाओ, ये जब डांटे तो डांटने दो ना, हल्ला मचाते अच्छा कोई बात नहीं ना, क्योंकि ये झक मार के भी तुझे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। तो बोले हाँ, ये बड़ा नाइस वैलिड पॉइंट, आज के बाद अब मैं टेंशन नहीं करूंगा, कोई जवाब तलब नहीं दूंगा इसे इन्हें। देखो दोनों तरफा की मार सेट हो गई, सिर्फ दिमाग ही सेट करना है, पर मुझे क्या करना होगा। मैं कहा बेटा कुछ नहीं है, इनका आशीर्वाद लेना है, जब ये मर जाएंगे तो पैसा लेना है, जायदाद लेनी है, लॉकर की चाबी लेनी है, और जब तक जिंदा है इनका आशीर्वाद लेना है। उसने कहा ठीक है, नॉट अ बैड डील, ये भी चलेगा। कैसे करें? उनका पैर छू, पहले ही झुकना सिखाओ, पहले बेटा पैर छू और जितना हो सकता है इनका कहना मानो, जैसा ये कहते हैं करो। अच्छा तुमसे नहीं होगा तो गलती कर देना, डांट खा लेना, मार खा लेना, प्यार तो तुम्हें करना छोड़ेंगे, तुम इनसे नफरत करोगे तब भी नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा बस सेट हो गया। अब आप देखेंगे प्योर हिप्नोसिस है, उस बच्चे को यही पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है कि ये गुलामों की गुलामी करने के लिए मुझे तैयार किया जा रहा है, और मैं मुंह पे बोल रहा हूं और फिर भी वो करेंगे, क्योंकि ये हिप्नोसिस है, ये बड़ा गजब का हिप्नोसिस है। एक बार उसने पैर छूने कहना मानना शुरू किया, काय के झगड़े अपने आप सेटिंग हो जाएंगे। पर लड़ाई किया, पेरेंट्स खुद ही उसके सिर पे सवार हैं। हमारे को यही सारे टाइम क्लेश है, हम बच्चों तक को कहते हैं देख ले फिर भगवान जी पनिश करेंगे। यार भगवान प्यार की चीज है, तुम भगवान को पढ़ाई नीचे के चक्र से रहे हो, भगवान को यहां रखो, वो सिर्फ 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 प्यार करता है, वो मजबूर है तुम्हें प्यार करने को। हमने कितने पाप किए, कितने क्लेश किए, कितने झगड़े किए, गंदगी फैलाई, वो हमें प्यार करता ही है, वो हमें सांस देता ही है, वो झक मार के भी हमें सांस देता है, वो झक मार के भी हमारा जीवन आगे चलाता है। हमारे कर्मों से उसे लेना देना नहीं है, वो परम पिता है, परम माता है, इसलिए हमारे कर्मों की टेंशन मत करो। पर उनके पैर छूने यानी परमात्मा को समझना है और झुकना है, ऐसे जैसे बच्चे को माँ बाप झक मार प्यार करेंगे, भगवान भी हमारे सैकड़ों हजारों लाखों गलतियों को भले डीट बन जाओ माफ करेगा। इसीलिए तो बड़े बड़े कहने को जो पापी हैं उनको भगवान माफ कर देता है। कैसे करता है? हक से, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए प्रकृति से, जीवन से, ईश्वर क्या करा के दे रहा है, क्योंकि मुन्ना कर रहा है और वो आपको भिखारी बनाएगा, फिर नीचे के चक्कर में फेंकेगा। आपके मन के अंदर के इलाके को मंदिर कहते हैं, जब आपने अंदर जान लिया तो आपको बाहर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पूजा पाठ की जाती है, माता की पूजा होती है, गणपति विसर्जन तो बहुत ही मशहूर है, पूरे साउथ में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे मशहूर है। ये क्या है? मूर्ति बनाई जाती है साकार रूप, उसकी पूजा की जाती है, हे प्रभु कृपा तेरी बड़ी दया है। मिठाई खरीदी जाती है, वो मिठाई दिखने में बहुत प्यारी है, टेस्ट की खराब, हम फेंक देते हैं, कितनी खूबसूरत है लेकिन फेंक देते हैं। तो अंदर कौन है जो टेस्ट ले रहा है? वो ये कॉस्मिक बॉडी ले रही है। इस कॉस्मिक बॉडी और एक बॉडी है मनुष्य की बॉडी, इन दोनों बॉडीज, बॉडी के अंदर यहां पर बर्फी गई, लेकिन उस बॉडी के अंदर जो बर्फी का टेस्ट है वो इसको नहीं स्वीकारा, फेंक दी। ऐसे ही हमने क्या किया, पहले साकार को एक्सेप्ट किया, हमने गणपति की मूर्ति बनाई, खूब पूजन किया, खूब उत्सव मनाया, खूब चंदन लगाया, खूब नाचे गाए सब किया, खूब मंदिर गए, फिर उस परमात्मा को लेकर आए और साकार रूप को विसर्जित कर दिया कि अब तुम समुद्र के हवाले हो जाओ। साकार से निराकार की यात्रा है देवता का विसर्जन, यानी अब हम देवता की जो कॉस्मिक बॉडी है उसको अपने पास रखते हैं, और देवता का जो ये माटी का शरीर बना है इसको हम समुद्र में विसर्जित करते हैं। अब हमें मंदिर की जरूरत ही नहीं रही, देवता की भी जरूरत नहीं। अब कोई अगर ये प्रथा ना होती तो सब लोग कहते हैं गणपति को पानी में फेंक दिया, पाप कर दिया। दुर्गा पूजा होती है, वहां माता की मूर्ति को डाला जाता है समुद्र के हवाले, कितना बड़ा उत्सव होता है। तुम माता के खंड खंड कर देते हो, चूरा बन जाता है, पैरों में लगती है, मिट्टी कर देते हो। यही तो सीखना है कि मंदिर से मन के अंदर जाने की यात्रा जाननी है। शुरू में मंदिर जरूर जाना है, वो पहली क्लास है, उसके बाद उसके परे हटके आत्मिक शरीर से जुड़ना सीखना है, वो परमात्मा है। और वो कहाँ है? वो है ही, वो जुड़ा ही हुआ है। हम ही आंख के अंधे हैं क्योंकि हम चिज्जी देखने में लगे हुए हैं। तो कौन करा रहा है पूजा? मुन्ना। वो क्या कराएगा? भिखारी बनाएगा। इसलिए सारी जिंदगी मंदिर जाके कुछ नहीं होगा, ये शब्द हमारे शास्त्रों में यूं ही नहीं कहे गए, कण कण में ईश्वर विद्यमान है।
पत्थर में भी ढूंढो मिलेगा, यानी पत्थर में, पत्थर मात्र पत्थर आकृति भी नहीं है, उस पत्थर में भी धन्ना, क्या बोलते हैं धन्ना, क्या था वो धन्ना जाग, उसने पत्थर में ढूंढ लिया। कैसे ढूंढ लिया? पत्थर में उसने ये शरीर, निराकार शरीर की कल्पना कर डाली, और जो पत्थर के अंदर की आत्मिक शरीर था उससे प्रेम से, भावना से, सरेंडर से जुड़ गया, वहीं भगवान मिल गया। तो भगवान कहाँ है? इधर से क्रिएट होता है। तो कहाँ रह रहा है वो? मुझ में, अहम ब्रह्मास्मि। अब ये अहम स्वयं है या अहम मुन्ना है, ये खेल सारा का सारा है। मुन्ना का अहम है तो आप मंदिर जाओगे, चलते चलते सड़क में स्कूटर चला रहे, अचानक मूर्ति दिख गई शिव जी की, ढंग एक्सीडेंट हो गया हाथों हाथ, फिर बच गए, कहते हैं भगवान ने बचा लिया, शुक्र है। ये नहीं पता उस भगवान ने ही तुम्हें गिराया है। हाँ, मुंडी, बस मुंडी। ये मजाक बनाया था पीके फिल्म के अंदर कि एक भगवान का पोस्टर यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ, अरे थप्पड़ मारो तुम्हारो कैसे। पॉइंट समझने का क्या है कि हमारे अपने अंदर जो शक्ति का पुंज बैठा है, हमें उससे कनेक्ट होना है और उसको लेकर के जमीन में नहीं जाना है। पत्थर के अंदर भगवान है, पत्थर ही भगवान है नहीं सोचना है। इसमें हम क्लास कर चुके हैं पत्थर का भगवान, क्योंकि भगवान एक इतना कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि जितने जो संत बैठे हैं ना, जो सो कॉल्ड ठेकेदार, वो कहेंगे कि इसका इसका गलत निपटाओ पहले, ये सारा बकवास कर रहा है, ये हमारे विरुद्ध बोल रहा है, क्योंकि कोई बोलने नहीं देगा। ऊपर जाने वाले सबको मारा गया, जिन्होंने ऊपर ऊपर की बातें की है ना परमात्मा से संबंधित और हटाने की, तो जो सत्ता चला रहे हैं धर्म की, उनकी सत्ता हिल जाती है, तो ऐसे लोग लाइकेबल नहीं होते। तो आपको मंदिर जाना है, ये पहली सीढ़ी है, जरूर जाओ। पूजा पाठ करनी है, जरूर करो। कैसे करनी है, कहां से जुड़ना है, ये जानना जरूरी है। हमारा हिप्नोसिस हमें मूर्ख बनाता रहता है, भगवान को ढूंढवाता रहता है, इससे ऊपर उठो। कोई हाय तौबा नहीं है। क्वेश्चन वगैरह है जी? कोई जी बताए। कर्ण और कृष्ण में भी एकता कपूर का कनेक्शन था, दोनों का नाम कैसे था? होता रहा कनेक्शन, हमें क्या लेना देना। पहली बात तो हमें क्या लेना देना, हमें अपने कनेक्शन का देखना है, अपनी पार्टी देखनी है, अपनी ऐश करनी है कि आज मैंने राम जी की कितनी सेवा की, आज मैंने पिताजी की कितनी सेवा की, आज मैंने बच्चों का कितना ध्यान साफ, आज मैंने खुद को कितना सुख दिया, खत्म। कृष्ण ने कहा मेरी इच्छा है, मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरी मर्जी है, मैंने करना है जो करना, दफा कृष्ण हो गया। राम ने कहा ऐसी की तैसी धोबी की बात पे बुरा मिले ना मिले, अग्नि परीक्षा गई तेल लेने, मैंने जो करना है करना है राम। बुद्ध ने कहा बच्चा छूटे भाड़ में गई बीवी, मरे राजा बाप मेरा, बुद्ध भगवान, महावीर, ये ऐसे बनते भगवान? सारे भगवान क्रूअल है, क्योंकि वो पहले कहते मैं, मुझ में, यही तो करना कठिन है। लोग जनता में घुसे हुए, लोगों में घुसे हुए, कंपैरिजन कर रहे, महावीर नग्न घूमे, कोई लेना देना नहीं। भगवान बुद्ध ने हिंसा खत्म कर दी, मांस खाओ ना खाओ भाड़ में जाओ साला, जो मिला प्रसाद है। भगवान कृष्ण ने कोई नहीं कहा तुम ये मत खाओ वो मत खाओ। भगवान आप जब अच्छे गंदे सही गलत से उठ गए, तब शायद भगवान बनने का स्कोप है। बुद्ध ने कितना पाप किया, बेटा छोड़ दिया, छोटा शिशु, उनको पता लग गया मैं ये करता रहा तो लाइन में लगा रहूंगा बिग बाजार की, छोड़ दो, ऊपर उठना है। कैसे ऊपर जाएंगे? कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, ना बुद्ध ने छोड़ा ना कृष्ण ने छोड़ा, वही साथ था, वही संगम था, कोटा पूरा हो गया। हम लगे रहते हैं हाय उसकी याद आती है, कॉलेज में मिले थे, भाई तुझे पता है उसका क्या हुआ? हाँ, उसके बच्चों ने मामा जी के लिए राखी भिगड़ी, भाई बोली मम्मी को बांधने। हम पुरानी यादों में फंसे हुए, अपना ही रोना खत्म नहीं कर रहे, निपट जाओ, पास्ट इज ओवर। हाँ जी बताए। तो गुरुजी, अंदर के स्पेस एलिमेंट से डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए क्या कृपा मार्ग के लिए कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अंदर के स्पेस एलिमेंट से कनेक्ट होने के लिए, और स्पेस एलिमेंट देखो जी विशुद्ध चक्र पर रहता है। स्पेस एलिमेंट ये है, स्पेस इसलिए कहते हैं कि ये जगह से हर चीज होकर गुजरती है और टिकता कुछ नहीं और है सब कुछ यहीं, तो ये स्पेस विशुद्धि माना जाता है इसको। ये स्पेस एलिमेंट के पास ईथर है और ये सबसे पास है कॉमन सेंस के, यानी सब समझ आ जाता है। तो स्पेस में रहने का क्या मकसद है? स्पेस में आप हुई,
स्पेस में हो ही, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, स्पेस एलिमेंट से जुड़ने का मतलब, पहले तो मैंने रिश्ते नाते छोड़, फिर मैं ऊपर आ गया, अहंकार मेरी बेइज्जती होती है या इज्जत, ये भी मैंने छोड़ दिया, मरने दे यार, दूसरे का मुंह मुझे गाली बकरा, बक ले तेरी मर्जी, मैंने क्यों ले रखी गाली उससे, कोई बक गया मुझे गाली, मुझे क्या पड़ी है, हाँ तेरा मुंह था बक दिया, मैं तो खुद को प्यार करता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई टोकरा है गाली बकरा है, उससे ऊपर मैं और आ गया कि भाड़ में जाए को भी मैंने छोड़ दिया, तू भाड़ में जाए ना जाए ये भी मेरा कोई लेन देन नहीं है, ना मैं प्रेम में पा, आप नीचे के चक्रों से एक एक धागा रिलीज करते जाओ, घूम फिर के आ सकते हो पर धागा रिलीज करते जाओ, आप स्पेस में ही हो ऑटोमेटिक, आपको कोई लेना देना नहीं। हमने क्लास की थी विवाह, उसमें मैंने बहुत बकवास करी, फालतू की बातें बहुत यूजलेस, फिर मुझे मैसेज आया क्या ये कोई क्लास है ये, मैंने कहा जी सॉरी, मैं कहा उस दिन रॉ थी अपनी पागल रखे थे, दौरा था, गोली नहीं खाई थी शांत रहने की, ठीक है निकल गया, खत्म हो गई ना बात, बेइज्जती भी सही है, वो भी तो मेरी है, मुझे मिला ही है कुछ, खत्म बात। तो आपको लेना देना नहीं, नीचे के चक्कर से रिलीज होते जाओ, आपका स्पेस एलिमेंट बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक। क्या सूक्ष्म शरीर कारण शरीर 12% एक ही है? 12% सूक्ष्म शरीर मुन्ना का है, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर में ही वो उसका हिस्सा भी है, उसी के कारण से होता है, और कॉजल बॉडी काम ही उसमें करती है, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में ही काम करता है। क्वेश्चन है क्या कॉस्मिक बॉडी स्टोन शेप में ही एनक्रिप्ट की जा सकती है, क्या समय के साथ भी ज्ञान भी इवॉल्व होता है? कॉस्मिक बॉडी स्टोन शेप में एनक्रिप्ट की जा सकती है? हाँ जी, इस क्वेश्चन को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, एनक्रिप्शन तो एक डिफरेंट वर्ड है, और उसको स्टोन शेप में करने का क्या मतलब है, जो कॉस्मिक बॉडी है उसमें वो चिज्जी नहीं है, जो मैं समझा पाऊंगा जैसा है जान सकें, कॉस्मिक बॉडी एक निराकार शरीर है, इस जैसे कॉस्मिक समझ लें, आपके अंदर जब हाथी के अंदर कॉस्मिक बॉडी होगी तो उसकी उंगलियां नहीं होंगी, उसका ऐसे ही पैर होगा सीधा खत्म, हाथी के पास जब कॉस्मिक बॉडी है तो उसकी सूंड की जगह भी कुछ होगा, वो बॉडी वही आकार लेगी, अब वो कौए में घुस गई तो उसके पंख होंगे हाथ नहीं होंगे, कॉस्मिक बॉडी जैसा शरीर मिल रहा है उसी के आकार के साथ चलती है, तो कॉस्मिक बॉडी का कोई लेना देना नहीं है, आपकी कॉस्मिक बॉडी को स्टोन शेप में रखने का मतलब स्टोन एक चिज्जी है, तो चिज्जी नहीं है वो स्टोन के अंदर की कॉस्मिक बॉडी स्टोन के शेप की है, प्लांट के अंदर की कॉस्मिक बॉडी प्लांट के शेप की है, वो वही शेप ले लेती है, कुत्ते की बिल्ली की, उसे स्टोन से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा सेक्शन क्या था? क्या समय के साथ ज्ञान भी इवॉल्व होता है? समय के साथ ज्ञान 101% बदलता है, इवॉल्व होने का मतलब ऊपर उठना है, अगर आप एक्सेप्ट करने वालों में से हो तो इवॉल्व करेगा, अगर आप कह करने वालों में से हो तो डिसॉल्व करेगा, नीचे की ओर जाएगा उल्टा, तो एक्सेप्टेंस का खेल है सारा। सर एक इनसे कंसर्न क्वेश्चन ही था जब आप इनसे बात कर रहे थे, गुरुजी आपने अभी अपने शिष्य से पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि चक्कर घूम रहे हैं, फिर चक्रों का आभास सिर्फ भावनाओं से होता है, जिस चक्कर में मैं हूँ वैसे ही मेरी भावना, तो गुरुजी बनने कितना अच्छा लग रहा है शिष्य से, थैंक यू सर, यही तो घमंड है, इसी घमंड का तो मजा है, शिष्य शिष्य में मजा आ गया, स्वाद में जी जाऊंगा, स्वाद में मर जाऊंगा, मैं लग रहा है कि भाई इनको क्या कहा मैंने सब भूल गया, देखो फिर से भूलने की शक्ति ऑन हो गई, कि किस चक्कर में है ये, चक्कर है कि जब ये चक्कर महसूस होते हैं जो जिस भावना में होता है उसी तरह के आभास होते हैं, आप जिस चक्र पर है आपके अंदर वही भावना उस समय मूवमेंट पर आई है, प्रबल है, आपके अंदर ईर्ष्या है तो आपका नीचे का चक्र बहुत फास्ट काम कर रहा है, यानी बहुत ईंधन ले रहा है, आपका पेट खराब हो गया, आपने वहां का चक्र को सेंसिटिव कर दिया है, रिलैक्स स्ट्रेस फ्री हो जाओ, टेंशन मत करो, चक्कर नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा, पेट ठीक, शरीर ठीक, सब ठीक, खत्म, आपके मन में दिल पे बड़ी चोट लगी हुई है, दिल का चक्र खराब है, हृदय चक्र, कोलेस्ट्रॉल हो गया, अटैक हो गया, और क्या, आप बुरे मानते रहते हो सारी दुनिया भर के लोगों का, सारे टाइम झल्लाए रहते हो, हार्ट प्रॉब्लम होगी होगी, प्यार में तड़प रहे हैं, हाय मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, साला झूठा भी नहीं मिलेगा, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम्हारा दिमाग खराब, हाँ जी
जिनके 10-10 बच्चे हो जाए उनको भी सच्चा प्यार नहीं मिला, जिनके 10 बच्चे हो गए उनको प्यार वाकई नहीं मिला, क्योंकि वो सेक्स के तल पर ही अटक गए हैं। वो ये जानते हैं सेक्स वाली स्थान पे है, वो ये जानते हैं कि सेक्स ही एक नशा है। आप ये समझें, जिस व्यक्ति को खाने का स्वाद जीभ की सेक्स का पता है वो खा खा के मोटा हो जाता है, निहाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो चटखारे लेता रहता है सारा दिन। जिस व्यक्ति को सुट्टा मारने का वो सुट्टा ही मारता रहता है, दारू का पता है, उसके आगे का सुख ही नहीं पता। इसलिए उनके 10 बच्चे हो गए, क्योंकि वो सेक्स से ऊपर पता ही नहीं। ऐसे लोग हैं आज, ये ज्ञानी लोग हैं, विदेश में इतनी सक्सेस क्यों है, कितना आगे बढ़े हुए लोग, क्यों इतना आनंद, क्यों इतना पैसा, क्यों इतनी पावर, उम्र ज्यादा, अय्याशी भी सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो इस चक्र से ऊपर उठे हुए हैं कि भैया बच्चे पैदा करो, फिर उन्हें कंट्रोल करो, फिर उनका खून पियो, फिर वो हमारा खून पिए। वो कहते हैं बच्चे चाहिए, अजीब सा स्थिति है। वो त्यागने में महान है, उनका सिस्टम अलग ही डिफरेंट है। पहले भी तो ऐसा होता था, हमारे हमारे समाज में रहा है कि स्त्री है, एक ऋषि के पास गई, मुझे तुझसे एक संतान चाहिए, क्यों? नियोग, क्योंकि वो बुद्धि ढेंढ ढूंढती थी, इसके पास जो बुद्धि है उसे अपना गर्भ दूंगी, कमाल का बच्चा होगा। ऋषि मुनि बच्चे पैदा हो निकल लिए, कौन कौन सा बाप का कर्तव्य करते थे, कोई बात ही नहीं है इसमें। अर्जुन ने कई जगह बच्चे पैदा करे, फिर कृष्ण के कई संतान हुई, कौन सा कृष्ण बना? ये माइंड का गेम है, आपको खुद पे काम करना है, दूसरे पे कितनों पे काम करोगे? ओशो ने कितने ओशो बना दिए, बुद्ध ने कितने बुद्ध बना दिए, राम ने कितने राम बना दिए, कितने बने उनके जैसे कॉपी, कोई? उन्होंने खुद पे काम किया, मैं तुम्हारा भला करूंगा तो तेरा भी भला हो जाएगा भाई, मैं मेरा भला करूंगा, मैं ऐसा फूल बनूंगा कि मेरी ही खुशबू तुम्हारा भला कर दे, मजा उसका है। दूध थोड़ी कहता है दही तेरा मैं कुछ करूं, दूध दूध बन के रहता है, उस दही दूध का कमाल ही अलग है, वो दही से पूरा अलग है, यही उसकी सुंदरता है। आपको स्वयं पे काम करना है, दूसरों को समझाना बड़ा आसान है, आप मान लेते हैं स्वयं, चार लोगों से मिले आप चार लोगों को वो बातें समझाओगे जो आपने खुद नहीं समझी, तो खुद पे काम करना है। मन को मंदिर नहीं कहते, मन तो लफड़ा है, उसके अंदर है मंदिर, अंदर है ना, तो मन को ही हम बुरा बुला क्यों कहते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं मन के बारे में, कौन कहता है? हम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, आप कहाँ बोलते हैं? कोई नहीं बोलता सारा, सबके नाम मत लो, अभी नंबर दे दो सबको, तो उसके अंदर है, तो उसी की हम, मन भला बुरा नहीं है, मन हमारे दिमाग का वो हिस्सा जहाँ हम ईर्षा ही करते हैं, क्लेश ही करते हैं, क्रोध ही करते हैं, संदेह करते हैं, वो वाला मन के हिस्से का नाम हमने मुन्ना रखा है, उसका तो वही काम है, एक अच्छा भी है, हाँ वो बुद्धि है, स्वयं है। हाँ जी, क्वेश्चन है जी, काफी सालों से मुन्ना एंड स्वयं में लड़ाई हो रही है, स्वयं बोलता है कि स्पिरिचुअल कंटेंट देखो और मुन्ना बोलता है कि पैसे कमाओ, जब मुन्ना ओवर पावर करता है तो पैसा कमाने अच्छा लगता है और जब स्वयं ओवर पावर करता है तो सब कुछ पॉइंटलेस लगता है। क्वेश्चन थोड़ा गलत है पर फ्रेम कर देते हैं इसे हम, कि मुन्ना और स्वयं में लड़ाई हो रही है, मुन्ना कहता है पैसे कमाओ, स्वयं कहता है अध्यात्म करो। जब मुन्ना कहता है पैसे कमाओ और ये पिट जाते हैं, हार हो जाती है, थोड़े दिनों में इनके स्वयं मान हो जाते हैं, वो पिटा हुआ मुन्ना है, फिर वो कहता है छोड़ो क्या रखा है, मोह माया है, छोड़ो यार स्पिरिचुअल करते हैं, फिर थोड़े दिनों में काम फिर चल पड़ता है, या कुछ सुधार हो जाता है, कुछ पैसे आते हैं, फिर ये कहते हैं वाह अब तो मजा आ गया, स्वयं भैये तो निकल ले नाली के रास्ते, फिर से पैसे कमाएंगे, ये एक लूप है। सक्सेस से तो घमंड आ जाता है, हाँ सक्सेस से घमंड आना आवश्यक है, तो लेना देना कुछ है ही नहीं, हर हालत में ये दोनों का मुन्ना कर रहा है, स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, स्वयं को कुछ नहीं चाहिए होता, सक्सेस से घमंड आता है, बात बीच में प्रश्न ऐड हो गया है, सक्सेस से घमंड आता है, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, सक्सेस मुन्ना की हुई है मेरी नहीं। पहले शब्द बोलना खुद से सीख लो, आप देखना जिंदगी भर जेब में है मुन्ना, और जेब में क्यों है मुन्ना, क्योंकि हम उसकी जेब में। ज्ञान भी सक्सेस आदमी ज्यादा दे देता है, ज्ञान हुआ और घमंड हुआ तो ज्ञान था ही नहीं। जो आदमी से लाइफ में सफल होता है, कोई फेलियर होता है, सक्सेस आदमी हमेशा फेलियर को सिखाता रहता है, वो तो हक है उसका, क्योंकि उसको कृपा मिल गई है, अज्ञानी को मिली नहीं, उसे कृपा लेना नहीं सिखाता वो। ऐसा नहीं, कई बार जो फेलियर होता है, कई बार वो भी ज्ञानी होता है, लेकिन हालात या सर्कमस्टेंसेस नहीं बैठे। जिसे सक्सेस मिलती है कृपा से मिलती है, ये गलत फहमी है कि मैंने कुछ किया, वो मुन्ना का है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो मुन्ना की है, आपकी नहीं है, ये पहले क्लियर समझ लो, सब कोई लोग ये पकड़ लो कि ये हर हालत में मेरे, सब अपनी पत्नी से क्यों दुखी है, पति से क्यों दुखी है,
क्योंकि वो तुम्हारी है ही नहीं, वो पूर्वजन्म के लेन देन के लिए मिले हैं। पत्नी भी मुन्ना की है, पति भी मुन्ना का है, इसीलिए लेन देन चलता है। मुन्ना क्या करता है? घृणा, क्लेश, क्रोध, सेक्स, चटखारे, मस्ती, शक। तो इसलिए तो पति पति एक दूसरे पे शक करते हैं, बहस करते हैं, क्लेश करते हैं। और जो कहते हैं ये मुन्ना का है मेरा नहीं, वहां प्रेम आता है, वहां प्रेम आता है। उस प्रेम को कोई जानता ही नहीं, सब मेरा मेरा मेरा, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा मेरा मुरा कुछ नहीं, सब धोखेबाज होते हैं। कान पकड़ लिए, बोलना नहीं चाहिए। जी सर, क्या कल्पना मात्र से भगवान को महसूस कर सकते हैं? आपको लगता है इसको उत्तर देना बनता है? कल्पना मात्र से भगवान को महसूस कर सकते हैं। जो ये महसूस कर सकते हैं, ये शक्ति जो इनके पास है, ये जबान की नहीं है, कान की नहीं है, ये कॉस्मिक बॉडी की है। यही तो भगवान है, यही तो भगवान है। पहले ये समझ लें कि कल्पना द्वारा जो भगवान को महसूस कर रहे हैं, तो ये भगवान बनाया हुआ है मुन्ना ने, इनके मुन्ना ने एक भगवान बनाया हुआ है। अगर ये मुसलमान होते कहते अल्लाह, नहीं तो कहते मेरे महावीर स्वामी। ये जो कौन सा वाला जो महसूस करना है, ये जो वाला है, ये मुन्ना का है। और जो महसूस करने की शक्ति है वही ईश्वर है। तो इस प्रश्न का मतलब कोई सिर पैर नहीं है, पर ठीक है। भगवान को महसूस क्या करना है? जो महसूस सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जीभ टेस्ट दे रही है, यही ईश्वर है, यही है। इससे क्या भगवान ढूंढ रहे हो? एक क्वेश्चन पहले भी पूछा है, अगर पाप पुण्य कुछ नहीं है तो कर्म फल कैसे निर्धारित होता है? किसी बुरे रिश्ते से दुख क्यों होता है, मुन्ना या स्वयं? पाप पुण्य अगर कुछ नहीं है तो किसी बुरे रिश्ते से क्या फल मिलता? नहीं मिलता है। ऐसा है भाई, रिश्ते फिश्ते कुछ नहीं होते, लेन देन होता है पिछले जन्म का। जब लेन देन पूरा हो गया तो कट लिए, जब कट लिए फिर आप कहते हो नहीं क्यों कट रहे हो, टिक जाओ, रुक जा, रात ठहर जा, चंदा वो गया भाई, जाना है। बचपना गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, सारी जिंदगी भी जाएगी। तो ये रिश्ते भी चले जाते हैं एक टाइम के बाद। जिससे बड़ा प्रेम है उसी से तो खत्म होगा। मेरे पास तरसों परसों कोई आए, बहुत पैसे वाले आदमी है जी, तो उनकी एक कार्यकर्ता लड़की आई, वो बाहर का ऑफिसर, उनका बाहर का ओवरसीज का संभालती, तो बड़ी प्यारी बच्ची है। फिर वो आई, बातचीत कुछ हुआ, फिर उन्होंने मुझे बोला कि सर आप इनको बोलो कि ये मुझसे एक्स्ट्रा पैसे क्यों नहीं लेती अपनी स्टाफ के लिए। वो लड़की इतनी प्यारी बच्ची है, कहती है नहीं सर बतेरा है। संतुष्ट लोगों का जवाब नहीं है, बताओ बॉस मुझे, मैं फालतू के महाराज एक गुरु जी को बीच में घुसा के कह रहा है, आपके कहने से नहीं मान जाएगी, इसको मैं एक्स्ट्रा तनख्वाह देना चाहता हूँ, ये लेती नहीं। क्या बात है। अच्छा वो बोली कि नहीं गुरु जी आज्ञा। मैंने कहा देखो अब आप, हम भी तो निराले, मैं तो घमंड नहीं टूटता, मैं क्या करूँ। मेरा जवाब देखिए आप कहाँ से टूट गया है। मैंने कहा बहुत अच्छा करती है, मैंने कहा बहुत चला गई है, ये कहाँ से आ गया। मैंने कहा है चला, मैंने कहा ज्यादा लेके कोटा पूरा करके ही निकल लेगी फटाक से। मैंने कहा ये ले नहीं रही है, बचा के रखा है, आपको लंबा रखना पड़ेगा, अब देखना फालतू कितना कुछ आएगा। मैंने कहा बहुत चालू है, बोले ये तो सोचा ही नहीं। आप किसी को बहुत ज्यादा सामान दे दो, अपने बच्चे क्यों हमारे दुश्मन हो जाते हैं, ले बेटा लैपटॉप ले ले बच्चे, पापा अरे बेटा टैबलेट भी है, पापा बेटा iPhone 13, पापा बता रहा हूँ। अब ये वाले पापा सुनने के लिए पापा ने उसको इतना कुछ दे दिया, बाप ने अपना कोटा घटाया है। वो बच्चा 10 साल बाद बाप को नफरत करेगा, आपने पहले ही दे दिया। आप खुश करने में लगे हुए, आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आपका उससे संबंध कोटा कैलकुलेशन मुन्ना कर रहा है, कॉस्मिक बॉडी को पता है, वहां ज्यादा दे दिया वो कोटा खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं ना ये बाप को देखो कमीने को है, साला दान करता रहता है 10,000, बेटे ने जरा सा साइकिल के मांग ली, साला लकड़ी की काठी ले आया, कार ले उठा के ले आया, घोड़ा दे दिया, इसका अचार डालूंगा। वो कोटा लंबा चला रहा, वो लंबा टिकेगा। हम कह रहे ना बेटे ले बेटे मेरे राजा, राजा जिसको दे के दिखाओ कोटा खत्म। सर कोटा सहजता के साथ ही डिफाइन होगा, कोटा सही होती है, लिमिटेड नहीं। नहीं कुछ बोले कि कोटा कैसे निर्धारित करे, मैंने कोटा क्या करना है वो करेगा ना, सहज होके वो करेगा ना। मैंने सहज का मतलब एक्स्ट्रा फीलिंग ही नहीं, एक्स्ट्रा फीलिंग किसी को क्या देना ना देना, ले मैं तेरा इतना ही खत्म हो गया, मत तो ज्यादा लंबा संबंध चलाना है। मैं चला के बताता हूँ जिनसे जिनसे मैं सोचता लंबा चलाना, मैं कहता हूँ छोड़ो पैसे ऐसे मत दो फिर दे देना, बाकी से मैं कहता देखे जा खत्म, कोटा खत्म, फिनिश। ये एक तरीका है, इस ज्ञान को जानो। ठीक है जी।
ईश्वर के प्रति पूजा पाठ प्रार्थना ये तीनों बातें अलग हैं, समझें इसको और अपने अंदर जाने ईश्वर को। मंदिर जाना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि मंदिर का एक समाज है, गुरुद्वारे का एक समाज है, उस समाज हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हम उस तल पर ना पहुंच जाए कि हम ही समाज बना सकें, इसलिए नीचे के चक्र को भी प्रणाम कीजिए, मुन्ना में ग्रेविटी है, जोड़ के रखता है, सबका मन जुड़ा रहे, ईश्वर की सबका कृपा कृपा लेने का तरीका। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने और जुड़ने।